नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। खबर है जहांगीराबाद से। एक सरफिरे बाप ने मां के पास सो रहे अपने 3 वर्षीय सगे बेटे को उठाकर मार डाला और मरने के बाद उसे गमछे में लिए बैठा रहा। काफी देर बाद ग्रामीणों को आते देख शव को वहीं छोड़ खेतों में भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने खेत को घेर कर उसे पकड़ लिया और PRV पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही देवियापुर पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत किया। इस बीच थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह भी कई उप निरीक्षकों व भारी फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए तथा जांच की। पुलिस ने बालक के शव को पंचायतनामा भर कर PM के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार सदरपुर थाना अंतर्गत पूंजीखेरा निवासी स्वर्गीय शिवनाथ कहार की बेटी जगदम्बी का विवाह लगभग 8 वर्ष पूर्व रेवसा थाना क्षेत्र के रमुआपुर कालिका सिंह निवासी मल्लू के पुत्र बबलू के साथ हुआ था। बताते हैं कि बबलू आए दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था। घर वालों का कहना है वह नशा भी करता था। इस बीच जगदम्बी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें नितिन 6 वर्ष, सुमित 5 वर्ष तथा निखिल 3 वर्ष का है। बबलू लखनऊ भी मजदूरी करने था वहां पर भी अकारण आए दिन पत्नी की पिटाई करता रहता था। विगत 20 जुलाई को बबलू ने अपनी पत्नी जगदम्बी को लखनऊ में फिर मारा पीटा था। उसने अपने छोटे भाई शिवपाल को फोन करके बुला लिया तथा अपने 2 पुत्र निखिल व सुमित को लेकर मायके चली आई थी। यह अपनी छोटी बहन मंजरी व अति वृद्धि दादी के साथ रह रही थी। छोटा भाई शिवपाल बाहर मजदूरी करने गया हुआ था। अभी 1 सप्ताह पहले थाना में पुलिस के बीच समझौता भी हुआ था। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जो आज घटना हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? आज कुंजीपुरवा ग्राम कुंजीपुरवा थाना सदरपुर में एक 3 साल के बच्चे को एक गन्ने के खेत में उसके सगे बाप ने करीब जो इसका नाम बबलू है आज गला दबा के इसकी हत्या कर दी है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसके सगे पिता बबलू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा भर PM के भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।